अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो फल लिए हैं वो इस तरह से, मैंने 3 चीकू ले लिए हैं और 2 खरबूजे लिए। मैं इसमें से 1 और आधा खरबूजा यूज़ करूँगी। 2 मैंने सेब लिए हैं और हमारे पास बनानास हैं, शहतूत है और पाइनएप्पल का टिन है और मिल्क पैक की हमने क्रीम ले ली है। पिसी हुई चीनी है हमारे पास 2 खाने के चम्मच और चाट मसाला है थोड़ा सा। तो चलिए अब मैं फ्रूट्स की कटिंग कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैंने तमाम फ्रूट्स को काट लिया है। हमने केला, सेब, खरबूज़ा और चीकू और शहतूत और ये सब चीज़ें हमने काट ली हैं। तो अब हमने एक बॉल लिया है, इसमें मैं मिल्क पैक क्रीम डाल गई हूँ। 250 ml का हमने ये पैकेट लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी और चाट मसाला डाल गए हैं और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो चाट मसाला डालें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम तमाम फ्रूट्स को एक बॉल में डालेंगे। अब मैंने चीकू इसमें डाल दिए हैं। अब हम एप्पल डालेंगे, बनानास। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो आप पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं शहतूत अब इसमें डाल गई हूँ और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें पाइनएप्पल डाल गई हूँ। और अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हमने तमाम फ्रूट्स ठंडे लिए थे और हमने क्रीम को भी ठंडा कर लिया था फ्रिज में और हमारी ठंडी ठंडी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको बनाने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा ठंडी हो जाए। अब मैंने इस पर चेरी लगा दी है ऊपर और ये लीजिए, हमारी मज़ेदार सी बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।